प्यारे भाइयों, हम सब बच्चे मिलकर सलात व तौबा अदा कर रहे हैं। अल्लाह के हजूर गिड़गिड़ाकर दुआ भी करेंगे कि अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों को, ख़ास तौर पर हमारे पाकिस्तानी भाइयों को, तमाम दुनिया में तमाम बसने वाले बल्कि मुसलमानों को अल्लाह ताला हिफ्ज़ व अमान रखे और हमें कोरोना जैसी मुहलक बीमारी से निजात दिला करे। मेरी भी आप तमाम भाइयों से रिक्वेस्ट है कि आप तमाम पाकिस्तानी सलात व तौबा अदा करें और अल्लाह के हजूर गिड़गिड़ाकर दुआ करें और इन बच्चों के लिए खुसूसी दुआ करें। ये तमाम बच्चे अल्लाह के हजूर तमाम पाकिस्तानी तमाम मुसलमानों के लिए दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला हमें इस मोहलक बीमारी से निजात अता करे। आमीन। बोलो चले बेटा, पढ़े बेटा। मैं दूता दी। हम पर अपना करम फरमा, हम पर अपना करम फरमा। एला हमें इस मुश्किल घड़ी में हमारी हिफाजत फरमा। आमीन। एला हमें इस कोरोना जैसी मोहलक बीमारी से हमें निजात अता फरमा। आमीन। एला हम सब मुसलमानों की हिफाजत फरमा। आमीन। एला मुसलमानों पर बड़ा सख्त वक्त है या अल्लाह, हमें इस मुश्किल वक्त से निकलने की तौफीक अता फरमा। एला हम पर अपना रहम और करम फरमा। एला हम तेरे महबूब की उम्मत में से हैं। एला हम पर अपना करम फरमा। एला हमारे गुनाहों को बख्श दे। एला हम पर अपनी नाराजगी खत्म कर दे। एला हम पर बड़ा सख्त वक्त है। एला हम पर अपना करम फरमा। एला ये छोटे छोटे बच्चे तेरी बारगाह इलाही में दुआ के लिए हाथ उठाए हुए हैं, ए मौला इनकी दुआ कबूल फरमा। एला हमें मोहलक बीमारी से हमारी हिफाजत फरमा। एला हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। एला तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमा। एला एला हम बड़े गुनाहगार हैं। एला एला तूने हम पर अपने घर का दाखिला ही बंद कर दिया। एला हमें खाना काबा की ज्यारत नसीब अता फरमा। एला खाना काबा के तवाब को बाकायदगी से करने की तौफीक अता फरमा। एला हम तेरे घर में आए, तेरे महबूब के घर में आए। एला हम पर अपना रहम करम फरमा। एला हम बड़े गुनाहगार हैं। एला हम पर अपनी रहमत फरमा। एला हमने आपने अल्लाह के आप एला हमने तेरे हजूर एला हमने आप सलात व तौबा अदा की है। एला पाक हम हमें हमारी ये सलात व तौबा कबूल फरमा। एला हमने सलात व तौबा अदा की है, हमें हमारी ये सलात व तौबा कबूल फरमा। एला सलात व तौबा के सदके हमें कोरोना जैसी मोहलक बीमारी से हिफाजत फरमा। आमीन आमीन सुम्मा आमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।